गेट रीड ऑफ इनएक्शन एंड फेडरलिस्टिक एटीट्यूड, निष्क्रियता और भाग्यवादी रवैये से छुटकारा पाएं। अ प्रीस्ट वॉज ड्राइविंग व्हेन ही सॉ एन एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल फार्म। एक पुजारी ने गाड़ी चलाकर गुजरते हुए एक बेहद सुंदर खेत देखा। ही स्टॉप्ड एट द एज ऑफ अ फील्ड, गॉट आउट एंड स्टूड क्वाइटली अप्रिशिएटिंग द बाउंटिफुल क्रॉप। वह खेत के किनारे पर रुक गया, गाड़ी से बाहर निकला और चुपचाप खड़ा होकर लहलहाती फसल की सराहना करने लगा। द फार्मर वॉज राइडिंग ऑन हिज ट्रैक्टर एंड सॉ द प्रीस्ट। ही ड्रॉव ओवर टू वेयर द प्रीस्ट वॉज स्टैंडिंग। किसान अपने ट्रैक्टर पर सवार था और उसने पुजारी को देखा। वह वहां चला गया जहां पुजारी खड़ा था। द प्रीस्ट सेड टू हिम, गॉड हैज ब्लेस्ड यू विद अ ब्यूटीफुल फार्म, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर इट। पुजारी ने उससे कहा, भगवान ने तुम्हें एक बेहद सुंदर खेत से नवाजा है, तुम्हें इसके लिए भगवान का आभारी होना चाहिए। द फार्मर रिप्लाइड, यस, गॉड हैज ब्लेस्ड मी विद अ ब्यूटीफुल फार्म एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर इट, बट यू शुड हैव सीन दिस फार्म व्हेन गॉड हैड द ऑल फार्म टू हिमसेल्फ। किसान ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान ने मुझे एक सुंदर खेत से नवाजा है और मैं इसके लिए भगवान का आभारी हूँ, लेकिन आपको यह खेत तब देखना चाहिए था जब यह सारा खेत भगवान ने अपने ही पास रखा था। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? 1. गॉड ओनली हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। पहली, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। 2. फेडरलिस्टिक पीपल ओनली वेट फॉर थिंग्स टू हैपन, दे नेवर मेक थिंग्स हैपन। 3. भाग्यवादी लोग केवल चीजों के घटित होने की प्रतीक्षा करते हैं, वे खुद बदलाव का प्रयास नहीं करते। वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन इज अ फेडरलिस्टिक एटीट्यूड। दिस कैन बी अंडरस्टूड विद अनदर अमेजिंग एग्जाम्पल। चीजों के खुद से होने की प्रतीक्षा करना एक भाग्यवादी रवैया है। इसे एक और उम्दा उदाहरण से समझा जा सकता है। अ फ्लड वॉज थ्रेटनिंग अ स्मॉल टाउन एंड एवरी वन वॉज लिविंग फॉर सेफ ग्राउंड। एक छोटे से शहर में बाढ़ का खतरा था और हर कोई सुरक्षित स्थान की ओर जा रहा था, एक्सेप्ट फॉर वन मैन हु सेड, गॉड विल सेव मी, आई हैव फेथ। सिवाय एक व्यक्ति के जिसने कहा, ईश्वर मुझे बचाएगा, मुझे विश्वास है। एज द वॉटर लेवल रोज, अ जीप केम टू रेस्क्यू हिम, द मैन रिफ्यूज्ड, saying God will save me, I have faith. जैसे ही पानी का स्तर बढ़ा, उसे बचाने के लिए एक जीप आई। उस व्यक्ति ने यह कहते हुए मना कर दिया कि भगवान मुझे बचाएगा, मुझे विश्वास है। As the water level rose further, he went up to the second story of his house and a boat came to help him. जैसे ही पानी का स्तर और बढ़ा, वह अपने घर की दूसरी मंजिल पर चला गया और एक नाव उसकी मदद के लिए आई। Again he refused to go, saying God will save me, I have faith. फिर उसने यह कहते हुए जाने से इनकार कर दिया, भगवान मुझे बचाएगा, मुझे विश्वास है। The water kept rising and the man climbed onto the roof. A helicopter came to rescue him. पानी बढ़ता रहा और आदमी छत पर चढ़ गया। उसे बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर आया। But he said, God will save me, I have faith. Well, finally he drowned. लेकिन उसने कहा, भगवान मुझे बचाएगा, मुझे विश्वास है। खैर, आखिरकार वह डूब गया। When he reached his maker, he angrily questioned, I had complete faith in you. Why did you ignore my prayers and let me down? जब वह अपने निर्माता के पास पहुंचा, तो उसने गुस्से में सवाल किया, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, तुमने मेरी प्रार्थनाओं को क्यों नजरअंदाज किया और मुझे क्यों निराश किया? The Lord replied, Who do you think sent you the jeep, the boat and the helicopter? भगवान ने जवाब दिया, तुमको क्या लगता है कि वो जीप, नाव और हेलीकॉप्टर किसने भेजे थे? This is how not taking an action on your own becomes fatalistic. इस तरह अपने आप को कदम ना उठाना एक नुकसानदायक भाग्यवादी रवैया होता है।